दोस्तों अगर आप भी चाहते हो क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करना होता है अपने अकाउंट में और उसमें कितना चार्ज करते हैं सब कुछ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और एंड तक बने रहना क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो चलिए अपने फोन के स्क्रीन पे चल के आपको बिल्कुल विस्तार से बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जो रेड वाला बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे जो घंटी दिख रहा है इस पर ऑल कर लीजिएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद पेज ऐप एप्लीकेशन एक आता है जिसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने पेज ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता होगा। अगर नहीं कर रखा है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो भी अकाउंट वगैरह होता है वो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना। अकाउंट वगैरह कैसे बनाते पेज ऐप एप्लीकेशन में, अगर उस पर भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर बना रखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो जैसे ही कंप्लीट लॉगिन हो जाएंगे पेज ऐप एप्लीकेशन में, उसके बाद यहाँ पे आपको पेज ऐप वॉलेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.51 रुपया देखने को मिल रहा है और मैं चाहता हूँ अपने वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करना। उसके बाद मैं अपने पेज ऐप वॉलेट से पैसे को ट्रांसफर करूंगा अपने अकाउंट नंबर पे, यानी अपने अकाउंट में। तो अगर आपको अकाउंट में ट्रांसफर पैसा करना नहीं आता है पेज ऐप वॉलेट से, तो उस पर वीडियो मैं बना रखा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना या फिर एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड कैसे होगा वॉलेट, उसके लिए आपको ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड मनी पे क्लिक करते हो तो मैं आपके सामने कुछ रुपया ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे 10 रुपया, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत चार्ज करता है। तो मैं सिर्फ आपको 10 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने अमाउंट टू बी एडेड 10 रुपये कर दिया, उसके बाद प्रोसीड टू एड 10 रुपीज पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना ऐड करके रखा हूँ, सो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो 10 रुपये मैं जब ऐड कर रहा हूँ अपने वॉलेट में तो मुझसे 17 पैसा काटा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पे 10 रुपीज पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपका OTP आ जाएगा, OTP डालकर यहाँ कन्फर्म कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर आप, अगर OTP नहीं आया है तो आप रिसेंट OTP पे क्लिक कर देंगे, या फिर कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर देंगे। तो मेरा OTP आ चुका है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जैसे ही देखोगे हमारे वॉलेट में पैसे ऐड हो चुके हैं, देख सकते हो आप 10 रुपये ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ व्यू होम पे क्लिक करके हम होम में चले जाते हैं। उसके बाद आपको पेज ऐप वॉलेट में आ जाना है। पेज ऐप वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि तो मेरा अकाउंट में पैसा ऐड हो चुका है। तो आप इस तरह से दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, इसे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक एम रखते हैं 20, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा।